कैसे हैं आप सब? ये डफनबेकिया का यानी कि डमकिन का प्लांट है और इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है एक छोटे से ही पॉट में और इतना सुंदर लगता है कि देखते ही बनता है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है, इसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो प्लांट के रख रखाव के बारे में मैं आपको बताऊंगी, प्लस इसमें क्या डिजीज़ेस लगती हैं, कैसा इसको टेम्परेचर पसंद है, वेदर इसका क्या होगा, फर्टिलाइजर, ऑल डिटेल मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। डफनबेकिया का प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है, इसकी लीव्स बैरिकेटेड होती हैं और ये समर में बहुत अच्छा चलता है और विंटर्स में भी ये सर्वाइव आसानी से करता है। बस आपको ख्याल रखना है इसके पानी का, पानी इसमें बहुत ही कम डालिए। जैसे आप इंडोर को ट्रीट करते हैं उसी तरह से इसमें पानी पड़ेगा, यानी कि 2-3 दिन में या 4 दिन में एक बार, और समर में अगर जैसी ज़रूरत हो तो सॉइल चेक करके आप डाल सकते हैं। और इसको वेदर 35 डिग्री तक ही आराम से सरवाइव करता है। 40 डिग्री पे भी ये इस समय देखिए 42 टेम्परेचर चल रहा है हमारे यूपी का, तो उस समय भी ये अच्छे से सरवाइव कर रहा है। बस इसको पार्शल सनलाइट अच्छी लगती है, यानी कि छनी हुई धूप अच्छी लगती है, और इसमें बहुत ही कम डिजीज़ लगती हैं। डिजीज़ इसमें ना के बराबर लगती है, तो मैं इसमें किसी भी तरीके का कोई फंगिसाइड या फिर नीम ऑयल वगैरह स्प्रे ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस इसमें रूट रॉट होता है तो पानी का ख्याल रखिए। फुल सनलाइट की इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है, मॉर्निंग की सिर्फ 2 घंटे की धूप इसके लिए सफिशियंट है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, बस वीक में आप एक दिन इसको धूप दिखा दीजिए, काफ़ी है इसके लिए, बहुत ही अच्छे से चलेगा। इनकी गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है, प्लास्टिक के पॉट में तो इनकी गुड़ाई बहुत नेसेसरी है। इससे क्या होता है कि हवा अंदर जाएगी और रूट रॉट होने का खतरा जल्दी नहीं होगा और आपकी सॉइल जो है इसकी जल्दी सूखती रहेगी, तो इसलिए इनकी सॉइल को आप गुड़ाई करते रहिए। बस इसकी जो रूट्स हैं उनका आप ख्याल रखिए कि वो डैमेज ना हो। सॉइल मिक्स कैसे होगी? तो 40% गार्डन सॉइल होगी और इसमें 30% आप लेंगे वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट, और आप इसमें बाकी आप सैंड मिला लीजिए थोड़ा सा और कोकोपीट मिला लीजिए। कोकोपीट सिर्फ 10% से ज़्यादा मत मिलाइएगा और 20% आप इसमें सैंड मिला लीजिएगा, या फिर आप गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट बराबर बराबर मात्रा में मिला के भी इसको लगा सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल बनानी है हमें, ये ज़रूर बस आप याद रखिएगा। कर लेते हैं इसको फर्टिलाइज़र हम किस तरह से देंगे। तो इसको फर्टिलाइज़र देने के लिए मैंने ये 2 चीज़ें ली हुई हैं। ये है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट मिक्स मेरा किया हुआ है, प्लस ये चाय की पत्ती है। थोड़ी सी आप चाय की पत्ती ले लीजिए, उसको सुखा लीजिए। बस याद रखिए इसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, तो इसको अच्छे से धुल के आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चाय की पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, तो उसकी मात्रा बहुत ही कम करिएगा, बस आधा चम्मच सफिशेंट है। तो ये मैंने लिया हुआ है, इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा साफ फंगिसाइड, और इसमें एप्सम सॉल्ट डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। मैं इसमें ये डालती हूँ, थोड़ा सा देखने में आपको अजीब सा लगे, लेकिन ये है नेल्स, कटे हुए नेल्स, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, इनको आप ज़रूर डालिए। लेकिन कैल्शियम इनसे भरपूर मात्रा में मिलता है, तो मैं इनको जब भी हम लोग अपने घर में नेल्स काटते हैं तो इनको डाल देते हैं। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको। मैंने इसमें चाय की पत्ती ली है और कंपोस्ट ले लिया है। अब मैं इसमें डाल ली हूँ थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ये एसिडिक बनाता है सॉइल को, प्लस क्या करता है कि जो भी हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और जो प्लांट्स जो थोड़े से अगर डल दिखने लग रहे हैं तो वो इनको एक्टिव बनाता है। इसमें मैं ये डाल रही हूँ फास्फोरस, तो ये जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, ये 1 चम्मच है, और इसको ये जड़ों के लिए मैं डाल रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है, तो इसको डालने से, सुपर फास्फेट को डालने से और एप्सम सॉल्ट को डालने से दोनों ही जड़ें मजबूत होंगी, प्लस प्लांट इनको बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। सुपर फास्फेट ऑर्गेनिक है और एप्सम सॉल्ट केमिकल है, बाकी मैंने सब कुछ इसमें ऑर्गेनिक लिया हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी।
और इसको मिलाने के बाद अब आपको देना कैसे है, आपने इसमें अच्छे से गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी साइड कर दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी इसकी साइड कर दीजिए, जड़ों में नहीं देना है इसको। और आपने इसकी थोड़ी सी मिट्टी साइड करके और थोड़ा सा इसको ऐसे हटा दिया है। अब इसमें से आप एक मुट्ठी ऐसे उठाइए और अपने प्लांट्स को दे दीजिए। उसके बाद जो सॉइल है उससे ऐसे ढक दीजिए। इसी तरह से मैं दूसरे में भी कर लूंगी। ये मेरी लगाई हुई कटिंग है तो इसको मैं, इसकी भी सॉइल थोड़ी सी हटा देती हूँ। ये मैंने और वीडियो में आपको इसकी कटिंग लगाना भी दिखाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अगर आप इसमें देखना चाहें तो इसकी कटिंग लगाना देख सकते हैं। ये देखिए इसकी कटिंग मैंने लगाई हुई है, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने इसका आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैंने इसमें, ये देखिए इसकी कटिंग लगाई है, यहाँ से इसका शूट निकल आया है। तो अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन देखिए अगर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा सनबर्न हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको लीव्स को कैंची से काट दीजिए, नहीं तो अगर ज़्यादा लीव डैमेज हो गई है तो आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से देती हूँ, बेबी प्लांट में भी डाल देती हूँ। बेबी प्लांट अभी थोड़ा सा नाजुक है तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं डालूंगी, और मैं जब इसमें वाटरिंग करूँगी तो ये अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी डाल देते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं हटा रही हूँ सॉइल को, धीरे धीरे। सॉइल को हटाने के बाद आप थोड़ा सा एक मुट्ठी आप इसमें डाल दीजिए, इस तरह से। गर्मी में ज्यादा नहीं डालना है और ठंडी में आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। बस आपने इसको डाल दिया है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा जो ये हल्दी का पानी है ये डाल दूंगी। ये हल्दी का पानी एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटी इंसेक्टिसाइड होता है, तो आप इसको जरूर यूज करिए। अब थोड़ी थोड़ी आप ऊपर से इसको पत्तियों को नहलाते हुए वॉटरिंग कर दीजिए। पत्तियों को जरूर नहलाइए प्लांट्स की, तो ये बहुत ही खुश रहते हैं। आपको या तो अर्ली मॉर्निंग खाद दीजिए, अभी 8 बज रहा है तो मैंने अभी, लेकिन धूप स्टार्ट हो गई है तो आप बहुत ही, या तो 6 बजे आप इसकी खाद दीजिए, या फिर आप दे सकते हैं इसको शाम को, इवनिंग में दीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आराम से एब्जॉर्ब करेगा। ये बेबी प्लांट्स बहुत ही अच्छे से अब ग्रो करेंगे, और जो इनको मैंने फर्टिलाइजर दिया है ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, इसको आप ज़रूर यूज़ करिए। प्लस इसमें आप और भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे होममेड फर्टिलाइज़र है, बनाना पील फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। इसमें आप आलू के छिलके का पानी दे सकते हैं, एक दिन आप आलू का छिलका इसको रख दीजिए और उसके बाद अगले दिन उसका वाटर दे दीजिए। उसके बाद आप इसमें प्याज के छिलकों का पानी भी दे सकते हैं, जो कि आप सभी में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।